तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम खड़े हैं ताजपुर के कोल्ड स्टोर चौक पे और आज का जो ब्लॉग होगा कोजी पे होगा, यानी फुल बेस कोजी पे होगा। कोजी दो ब्रांच है, कोजी वन और कोजी टू। तो कोजी वन जो था पहले वो उसका जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है और कोजी टू तो आप पीछे वाला जो रास्ता है बैक कैमरे से आपको दिखा देते हैं। तो गाइस अभी हम खड़े हैं कोल्ड स्टोर चौक पे और यहाँ से चार रास्ता जाता है। एक तो चला गया हॉस्पिटल रोड सीधा, ये चला गया मुजफ्फरपुर वाला रास्ते और ये गया पटना और ये गया गांधी चौक। तो हॉस्पिटल चौक के तरफ कोजी टू है, अभी भी स्थित है, और गांधी चौक वाला में जो कोजी वन था उसका स्थान चेंज हुआ है। तो अभी वही जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आईडी शो करा, फटाफट जाइए और फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो भी अपडेट्स होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं कोजी वन पे। तो कोजी वन का प्रॉपर इस बार वीडियो बनने वाला है तो कोजी वन पे चलते हैं और वहीं सारा कुछ दिखाते हैं। अब हमारा गाड़ी यहाँ पे लग गया, ऑलरेडी शिवम आया हुआ है। क्या शिवम जी है? हेलो हेलो सौरभ, क्या हाल? ठीक है, अपना सुनाइए। मस्त। अचानक से फ्लाइंग जहाज ही दिख गया है। ओ भाई, ओ भाई। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो आपका स्वागत है एक बार फिर से फ्लाइंग जहाज के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि बताया था कि कोजी वन का सारा कुछ आज दिखाया जाएगा, तो कोजी वन पे आ गए हैं और सारा कुछ यहाँ का पता चलेगा आपको क्योंकि कोजी टू और कोजी वन दो ब्रांच है ताजपुर में जो काफी फेमस मिष्ठान है। तो अभी वहीं जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो अभी बाहर में आ गए, बाकी सारा कुछ अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। इंटीरियर काफी खूबसूरत है यहाँ का। कोजी था गांधी चौक पे स्थित, उससे काफी ज्यादा अच्छा ये इंटीरियर बनाया गया है। भैया जी, हम थे कोजी वन पे और फ्लाइंग जहाजी आ गए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए और सीन कुछ ऐसा है कि अभी इसमें जो भी आपको दिखाया है वो इंटीरियर नहीं दिखा, अभी इंटीरियर में चलेंगे क्योंकि इंटीरियर में जो काम हुआ है ना भाई साहब, मतलब नहीं देखे होंगे। तो और अंदर में चल के दिखाते हैं कि इंटीरियर का क्या सीन है। साथ ही में पार्टी के लिए पार्टी हॉल भी बनाया जा रहा है, पार्टी हॉल में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप हमारे साथ रहिए और हेलो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और हमारे कुछ जो भाई लोग हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस। तो जो अंदर का भी व्यू है भाई, कतई खतरनाक है। तो इंटीरियर बनाया गया है जो कैंडल लाइटनर फील हो सकता है यहाँ पे आपको। और ये जो बनाया गया ये लाइट्स और इंटीरियर एकदम गजब का है। तो आपको इसको सिनेमेटिक शॉट्स में दिखाते हैं।
और यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए हैं। क्या भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अच्छा लग रहा है? और इंटीरियर कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा। चलिए सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो अभी कस्टमर्स लोग भी आ रहे हैं यहाँ से खुश होके जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये जो इंटीरियर बनाया गया ना भाई, ताजपुर में इकलौता इंटीरियर है मेरे ख्याल से, होटल के मामले में ताजपुर में फर्स्ट इंटीरियर ऐसा है जो धमाकेदार है, गजब का सीन। तो भैया जी, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं द ओरिजिनल कोजी सूट्स के फाउंडर, तो उमेश जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो ये जो सिलसिला चला कोजी वन से लेकर कोजी टू तक का सफर आपके साथ कैसा बीता, कैसा रहा ये? जब हम गांधी चौक पे अपना कोजी सूट्स खोले थे 2010 में 27 मई को, तो इस चौक पे लोग जब हम लेके आए इस मार्केट में अपनी क्वालिटी को, लोग कहते पागल हो गया यहाँ नहीं चलने को। यहाँ जो है सो मतलब लिट्टी चौक है और यहाँ लोग जो है सो सस्ता खाने वाले हैं, ये सब सामान कहाँ भी है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इसमें मेहनत करते गए, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते गए, तो आगे 2-3 साल लग गया हमको, मतलब जब लोग मुझे खोजना शुरू कर दिया, तीसरा साल से लोग कोजी 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 कोजी, घर में अगर बर्थडे पार्टी है तो कोजी से लाएंगे, केक अगर कोई फंक्शन है तो मिठाई कोजी से आएगा, मतलब उस हिसाब से सब जो है सो धीरे धीरे लोग हमको जो है सो प्रोत्साहन दिए और हमारा मनोबल बढ़ा। फिर जो है सो 3 साल पहले जो है सो कोजी टू खोले, तो वहाँ जो है सो वहाँ भी लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला। क्वालिटी का पहचान तो सब जगह, उसका पूछ सब जगह, और हम मार्केट अपनी क्वालिटी दिए केवल, और उसमें कहीं से कोई समझौता नहीं किए, क्योंकि लोगों का जिंदगी है, अच्छा खाएंगे तभी अच्छा रहेंगे, उसमें कोई मिलावटी नहीं, सब कुछ शुद्ध। इधर जो है सो पिछले मंथ से जो है सो ये 15 नवंबर से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, गांधी चौक हमारी पहले दुकान थी, उसको छोड़ के हम लोग जो है सो होंडा एजेंसी के बगल में एक अपना नया ब्रांड, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जो थे तो वहाँ पे लोग ज्यादा जानते थे कोजी, वहाँ पे एक ब्रांड बन चुका था पहले, तो वहाँ पे से शिफ्ट करने का यहाँ सिलसिला जो है, बाकी यहाँ का तो इंटीरियर बहुत ही जबरदस्त है, वहाँ से लाख गुना ज्यादा बेटर है सब मानते हैं जो, लेकिन लोग नहीं जानते हैं ना वहाँ पे कोजी, वहाँ न्यू कोजी करके कुछ खुल गया है जो आपका कॉपी है जो भी हो, तो देखिए जो जो आगे बढ़ते उन्हीं का नकल होता है, ये भी जो, सही है। जो आगे बढ़ते उन्हीं का नकल होगा, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यही है अगर नकल की है तो ठीक है, अपनी क्वालिटी बरकरार कोजी जैसा बनाए, नाम से केवल नहीं होता है। और लोग जो है सो हमें ढूंढ के आ रहे हैं मेरे पास, और धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, हम लोग फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इस मेहनत को और बढ़ाएंगे हम लोग, खासकर जो अभी यूथ है, यूथ को लेके हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं ना, तो यूथ जो है इस सब इंटीरियर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, तो ये सब आइडिया आपको कहाँ से मिला? जैसे हम शुरू से ही मार्केट को कुछ नया देने के लिए चाहत रखते हैं, और उसी हिसाब से जो यंग पीढ़ी है उनके हिसाब से हम साल 2 साल में कुछ डेकोरेट नया 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 करके जो है मार्केट को ट्रायल करते रहते हैं, और उसमें सफलता भी मिलती है, लोग खुश भी होते हैं, और जमाना ही वही है, कुछ नया करते रहिए, कहीं भी दुकान खोलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ नया करते रहिए अपने हिसाब से, तभी जो है सो मार्केट को जो है सो पकड़ पाइएगा, मार्केट में टिक पाइएगा। और जहाँ तक बात है हमारे नाम लेने का, तो वो तो मान लीजिए अब क्या बताएं कि जो ब्रांड होता है उसी का लोग नकल करता है, जो अच्छा होता है तो उससे हमको खुशी है कि मेरा नाम का भी नकल लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस अपनी क्वालिटी को और हम अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे, अपने कमी को खोजेंगे हम, न कि दूसरे के प्रति हम जाएंगे। सही, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि ये चीज जानना जरूरी था ताजपुर वालों के लिए और यानी अदर सिटी वाले जो भी के लिए, लेकिन जानना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे थे कि हाँ कोजी कहाँ गया, ये जो कोजी है वो कोजी नहीं लग रहा है, मतलब कि कभी कभी एक बार हम भी खुद आए थे धोखा खा गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था, तो सौरभ से बातचीत हुआ तब पता चला कि ऐसा ऐसा था, कोजी टू से हम लोग काम कर लिए थे, तो आपका सिलसिला ऐसा रहा, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो भैया जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कोजी टू के फाउंडर उमेश भैया, उनसे आपको सारी कुछ जानकारियां मिल गई कि कोजी टू का क्या सिलसिला रहा और कैसे वहां से यहां तक का सफर तय किया। और प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है गांधी चौक NH 28 होंडा एजेंसी के बगल में। तो भैया जी ये हैं सौरभ भाई जो कि अभी जो फाउंडर जो थे उमेश जी, उनके ये भांजा होते हैं और ये यहीं रहते हैं, और आपको कोजी वन कोजी टू हर जगह मिल जाएंगे, तो थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं कि लोग जो आएंगे कोजी टू में, ठीक है, वो आखिर यहाँ पे आएंगे तो उनको स्पेशल ऐसा क्या मिलेगा जो मतलब आने के बाद वो मतलब भूल मतलब फिर दोबारा आने का करेंगे, और यहाँ पे क्या ऐसा खास रहेगा, क्या स्पेशल है लोगों के लिए,
थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं। लगभग स्पेशल ही है, आप सभी लोगों ने स्पेशल बनाया है इसको जी को, जैसे यहाँ से जैसे कुछ लोगों को जैसे शुगर फ्री का भी आइटम में मिलता है मिठाई, शुगर फ्री मिठाई, छेना रोल, छेना की जलेबी, रसमादरी, छेना पाइस, ये सब स्पेशल है। और यहाँ के गांव का मार्केट के हिसाब से यहाँ का जो है कोजी का, कोजी टू दोनों का जो है चाट, हाँ चाट, चाट जो लोगों को खूब यहाँ का पसंद आता है। और जो है यहाँ का पिज्जा बर्गर, ये सब हाँ पिज्जा बर्गर भी ऐड हो गया है, पहले ये नहीं था, ये अभी पिज्जा बर्गर भी ऐड हो गया है, तो ये काफी सही है। लोगों का डिमांड था कि पिज्जा बर्गर गांव के मार्केट में नहीं मिलते हैं। और स्वीट का जो मिठाई का जो टाइप्स है ना भाई साहब, आओगे तो फिर भूल जाओगे कि यार हमें ये लेना है कि ये लेना है, ये लेना है कि मतलब बहुत सारा ऐसा है। और केक का भी, हाँ केक का क्या है कि मतलब अगर इंस्टेंट ऑर्डर देते हैं तो कितने देर में मिल जाता है? 25 से 30 मिनट में मिल जाता है। केक का नए नए वैरायटी भी, नए नए कारीगर भी आए हैं, नए नए केक बन रहे हैं। कारीगर सब यही के है कि सब कारीगर सब बाहर के हैं। और नए नए केक जो है सो अभी बनने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे रसमादरी केक, गुलाब जामुन केक, ड्राई फ्रूट केक, बहुत तरह के जो है सो अभी बन रहे हैं। इस चैनल पे आप हमें नहीं जानते होंगे, उसको फ्लाइंग झाजी को जानते होंगे, तो हमारा यूट्यूब चैनल अननोन शिवम के नाम से चलता है, लेकिन हम इनको मिल गए तो ये हमसे करवाने लगे, तो सीन ऐसा है। तो आके मिलिएगा और बताइए कि वीडियो देख के अगर आए हैं तो बताइएगा कि वीडियो देख के आए हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि आप गए थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताजपुर से देख रहे तो ताजपुर के बाहर से देख रहे, अगर नहीं पता है कि ताजपुर कहाँ है तो ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है कि ये ताजपुर है। तभी इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा था और हमारे एक अंकल मिल गए हैं, तो अभी उनसे बातचीत करते हैं, अभी आए हैं कुछ खाने वगैरह तो उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका अंकल? डॉक्टर अकबर। अच्छा, ये आपका कैसा लग रहा है खाना वगैरह यहाँ का? बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और कोजी में हम बार बार आते हैं, जब से कोजी खुला था उस समय से आते हैं। कोजी अभी जगह चेंज हो गया है। आपको पता था जगह चेंज हुआ है या नहीं? पता हो गया था। अच्छा, पता हो गया था। लेकिन एक बार हम वहाँ गए तो देखे कि भाई यहाँ पर जो सो वो क्वालिटी नहीं है, दूसरे कोजी में हम गए थे। अच्छा, कंफ्यूज आप भी हो गए थे? कंफ्यूज हमको लगा कि क्वालिटी नहीं है, वो कोजी नहीं है, तो पता किया कि भाई वो कोजी कहाँ गया, पता चला कि यहाँ पे आया है, तो फिर आज हम यहाँ है और आज नहीं, इससे पहले भी आया है। तो और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। आपको कोजी का सबसे अच्छा क्या लगता है? कोजी का हर क्वालिटी अच्छा है। एक होगा ना आपका कोई फेवरेट डिश कोजी के लिए स्पेशल? अभी तो फिलहाल छोला भटूरा खा रहा हूं। अच्छा, छोला भटूरा अच्छा लगता है भाई, सही है। और गाइज लास्ट में वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। फिल्म मिलते हैं किसी नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।